Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. In this video we are going to discuss the modules of Python. We will discuss what is a module, how we can import the module in Python, and what are the different methods of importing the module in Python. This is the part 1 video for this particular topic, modules for class 11 Computer Science with Python. So let us start the video. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि मॉड्यूल क्या होता है. अ मॉड्यूल रेफर्स टू अ फाइल कंटेनिंग पाइथन स्टेटमेंट्स एंड डेफिनेशन. ऐसी फाइल जिसके अंदर पाइथन की स्टेटमेंट्स और डेफिनेशंस होती हैं, दैट इज़ नोन एज मॉड्यूल. जब भी हम पाइथन के अंदर कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं एंड उसे सेव करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी एक एक्सटेंशन होती है .py. वो अपने आप लग जाती है एंड उसे ही हम एक तरह से पाइथन का मॉड्यूल कहते हैं एंड उसकी भी एक्सटेंशन .py ही रहती है. नाउ व्हाट इज़ द नीड ऑफ यूजिंग द मॉड्यूल्स इन पाइथन. हमारे पास पाइथन लैंग्वेज में कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर होते हैं. आप कह सकते हैं जैसे एक फोल्डर में बहुत सारी फाइल्स होती हैं, ऐसे एक मॉड्यूल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, और वो फंक्शंस तभी काम करते हैं जब हम उनके मॉड्यूल को पाइथन में इम्पोर्ट करते हैं. तो पाइथन में मॉड्यूल को इम्पोर्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं. सबसे पहला हमारा है इम्पोर्ट स्टेटमेंट. इसका सिंटेक्स है इम्पोर्ट देन द नेम ऑफ द मॉड्यूल. इट इज़ यूज टू इम्पोर्ट वन मॉड्यूल. और अगर हम एक से ज़्यादा मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना चाहें सो वी हैव टू राइट डाउन इम्पोर्ट मॉड्यूल 1 कॉमा मॉड्यूल 2 कॉमा मॉड्यूल 3. इस तरह से हम सभी मॉड्यूल्स के नेम देते जाएंगे विद देयर सेपरेटेड बाय कॉमा. सो दिस स्टेटमेंट इज़ यूज टू इम्पोर्ट मोर देन वन मॉड्यूल. और अगर हमें किसी भी मॉड्यूल के फंक्शन को एक्सेस करना है तो उसका सिंटेक्स क्या रहेगा. मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम. मॉड्यूल का नेम डॉट फंक्शन का नेम एंड द पैरेंथेसिस ऑफ द फंक्शन. इसे हम प्रैक्टिकली समझते हैं. नाउ हेयर आई हैव दिस इंटरैक्टिव मोड ऑफ पाइथन. यहाँ पे आई वॉन्ट टू इम्पोर्ट अ मॉड्यूल दैट इज़ द मैथ मॉड्यूल. क्लास 11th कंप्यूटर साइंस विद पाइथन के सिलेबस में हम तीन मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल एंड स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल. इस वीडियो में हम मैथ मॉड्यूल के बारे में कुछ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे. तो हम कैसे लिखेंगे इसे, इम्पोर्ट मैथ. अब ये मैथ मॉड्यूल इम्पोर्ट हो गया. मैथ मॉड्यूल के अंदर ऐसे फंक्शंस होते हैं जो मैथ से रिलेटेड कोई भी वर्क करने में हमें हेल्प करते हैं. मान लीजिए मुझे किसी नंबर का स्क्वायर रूट करना है तो फर्स्ट आई विल राइट द नेम ऑफ माई मॉड्यूल डॉट द नेम ऑफ माई फंक्शन. द नेम ऑफ माई फंक्शन, वन ऑफ द फंक्शंस इज स्क्वायर रूट. आई वॉन्ट टू डू द स्क्वायर रूट ऑफ 100. यहाँ पे हमने नंबर लिखा. नंबर हम इंटीजर फॉर्म में या फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लिख सकते. और इसके बाद जो इसका रिजल्ट आता है स्टूडेंट्स, वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही मिलेगा. तो यहाँ से देखिए मॉड्यूल का नेम डॉट फंक्शन का नेम इज स्क्वायर रूट. और इसके पैरामीटर्स में हमने जो वैल्यू पास की है दैट कैन बी एनी वैल्यू. हेयर वी हैव एंटर्ड 100. हम कोई भी वैल्यू इसमें पास कर सकते हैं. उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा. नेक्स्ट हमने क्या सीखा कि अगर हमें एक से ज़्यादा मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना है तो अभी हमने पढ़ा कि हमारे सिलेबस में तीन मॉड्यूल्स हैं, मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल एंड स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल. मान लीजिए मुझे स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल की भी रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे मैंने स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल को भी इम्पोर्ट कर लिया. अब मैथ मॉड्यूल का कोई भी फंक्शन लगाना हो तो वो हम ईजिली लगा सकते हैं. जैसे हमने पार फंक्शन लगाया 3,2. पार फंक्शन क्या करेगा, 3 इज़ द बेस, 2 इज़ द पार, 3 रेज टू द पार 2, 9.0 हमें आंसर दे देगा. अब मान लीजिए मुझे स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल के किसी फंक्शन को यूज़ करना है. स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल में हमारे पास तीन फंक्शंस हैं, मीन, मोड, मीडियम. अगर आपको किसी भी मॉड्यूल के फंक्शंस के बारे में पता लगाना हो तो आप इस तरह से स्टेटिस्टिक्स या जो भी मॉड्यूल का नेम है वो देके डॉट. यहाँ पे देखिए ये सारे फंक्शंस हैं. अभी हम सिलेबस के अंदर मीन, मोड और मीडियन फंक्शंस को पढ़ेंगे, बाकी और भी फंक्शंस हमारे पास इस मॉड्यूल के रहते हैं. तो मीन, मीडियन, मोड. तो मीन का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे पास वैल्यू गिवन है उन सब का सम करके जितने नंबर्स हैं उसे डिवाइड करेगा. लेकिन इससे पहले हमें वो वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी. मान लीजिए मैंने एक लिस्ट बनाई ए नाम से और उसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज़ डाल दी 2, 3 एंड 4. नाउ आई हैव रिटन द नेम ऑफ माई मॉड्यूल एज स्टेटिस्टिक्स डॉट मीन फंक्शन लगाया और इसके ब्रैकेट में मैंने लिस्ट का नाम पास कर दिया विच इज़ ए.
अब ए के अंदर तीन डिजिट्स हैं, 2, 3 एंड 4। अगर हम तीनों डिजिट्स को ऐड करें, 2 + 3 becomes 5, 5 + 4 becomes 9। 9 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द टोटल नंबर्स। सो 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 डिवाइडेड बाय 3, 9 डिवाइडेड बाय 3 becomes 3.0। ओके, तो यहाँ पे देखिए मेन फंक्शन पे जब आपने काम किया तो ये आपको आंसर दे रहा है इंटीजर फॉर्म में। मैथ मॉड्यूल के साथ जो भी फंक्शंस के साथ काम करते हैं मोस्टली इसका आंसर फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म में रहता है। तो 9 डिवाइडेड बाय 3 गिव्स अस द आंसर एज 3। तो यहाँ पे हमने इम्पोर्ट स्टेटमेंट में दो मॉड्यूल्स को इम्पोर्ट किया, मैथ मॉड्यूल एंड स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल। मैथ मॉड्यूल के भी एक फंक्शन को यूज करके देखा और स्टेटिस्टिक मॉड्यूल के भी एक फंक्शन को हमने यूज करके देखा। अंडरस्टूड? सो दिस इज द फर्स्ट मेथड किस तरह से हम मॉड्यूल्स को अपने प्रोग्राम के अंदर इम्पोर्ट कर सकते हैं। आते हैं सेकेंड मेथड पे, यूजिंग फ्रॉम स्टेटमेंट। फ्रॉम स्टेटमेंट की हेल्प से भी हम मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए इसका सिंटेक्स है, फ्रॉम मॉड्यूल मीन्स मॉड्यूल का नेम, इम्पोर्ट स्टार। स्टार मीन्स ये उस मॉड्यूल के सारे फंक्शंस को इम्पोर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट स्टार, तो मैथ मॉड्यूल में जितने भी फंक्शंस हैं वो सबको प्रोग्राम में इम्पोर्ट कर लेगा। ठीक है, अगर आप स्टार ना लगाना चाहें और आप चाहें कि आपको सिर्फ एक फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो आप स्टार को फंक्शन के नेम से रिप्लेस कर सकते हैं, किसी भी एक फंक्शन के नेम से। ध्यान रखना है इसमें कि फंक्शन के पैरेंथेसिस फिर आपको यहाँ नहीं लगाने हैं। ठीक है, और इसके अलावा कई बार हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि हमें एक से ज़्यादा फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है लेकिन सारे फंक्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव मेथड है, फ्रॉम मॉड्यूल, दैट इज मॉड्यूल का नाम, इम्पोर्ट function1, function2, जितने भी फंक्शंस हैं सेपरेटेड बाय कोमास। सो दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इम्पोर्ट मल्टीपल फंक्शंस ऑफ अ मॉड्यूल। ठीक है, अब इसको एक्सेस करने के लिए, किसी भी मॉड्यूल के एक या एक से ज़्यादा फंक्शन को एक्सेस करने के लिए जब हम फ्रॉम स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमें मॉड्यूल का नेम देने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ वी हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फंक्शन और ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट जो कोई भी उसकी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकली हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, यानी कि मैथ मॉड्यूल में से पहले हम स्टार को समझ लेते हैं, इम्पोर्ट स्टार कर लेते हैं। स्टार का मतलब मैथ मॉड्यूल के सारे फंक्शंस। ठीक है, सारे फंक्शंस आ गए तो मैंने कहा मैथ डॉट। अब डॉट लगाने के बाद आपको यहाँ जो लिस्ट दिख रही है इसमें मैथ मॉड्यूल के सारे फंक्शंस हैं। आप इसमें से कोई भी चूज भी कर सकते हैं या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फंक्शन ले लिया, दैट इज माई फैब्स फंक्शन। फैब फंक्शन क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू प्रोवाइड कराता है, यानी कि अगर आप इसमें कोई नेगेटिव नंबर डाल रहे हो तो उसको पॉजिटिव कर देगा और पॉजिटिव डाल रहे हो तो एज इट इज दे देगा। सपोज मैंने डाल दिया -5, तो मुझे आंसर में क्या मिला, 5.0। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आई कैन मेक यूज ऑफ सम अदर फंक्शन ऑल्सो, मैथ डॉट। मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं तो यहाँ से हम कोई भी फंक्शन ले सकते हैं। सपोज मुझे फैक्टोरियल फंक्शन को यूज करना है तो हमने फैक्टोरियल फंक्शन लिया और मान लीजिए 3 का फैक्टोरियल निकालना है, तो यहाँ पे सॉल्व करके 6 आ गया, 3 × 2 × 1 दैट इज 6 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में स्टूडेंट्स हम मैथ मॉड्यूल के किसी भी फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने अब फ्रॉम स्टेटमेंट का यूज किया, फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स मैंने मैथ मॉड्यूल में से सिर्फ स्क्वायर रूट फंक्शन को इम्पोर्ट किया है। सो इफ आई राइट द स्टेटमेंट स्क्वायर रूट ऑफ 49, इट विल गिव मी द आंसर एज 7.0। और यहाँ पे हमने मॉड्यूल का नेम नहीं लिखा, सिर्फ फंक्शन का नेम लिखा है और उसकी वैल्यू को पास किया है। अब हमने एक और फंक्शन यूज किया, दैट इज फैब्स फंक्शन, -6.5। अब देखिए स्टूडेंट्स जैसे ही हमने इस फंक्शन को यूज किया तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया। व्हाई दिस एरर इज कमिंग, दिस एरर इज कमिंग बिकॉज हमने मैथ मॉड्यूल से सिर्फ स्क्वायर रूट फंक्शन को इम्पोर्ट किया है और इस फंक्शन को इम्पोर्ट करने के बाद सिर्फ ये वाला फंक्शन काम करेगा, फैब्स फंक्शन को हमने इम्पोर्ट नहीं किया था, इसलिए दिस एरर इज कमिंग, नेम एरर, नेम फैब्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो चाहें तो हम फ्रॉम स्टेटमेंट की हेल्प से एक फंक्शन को इम्पोर्ट कर सकते हैं या सारे फंक्शंस को इम्पोर्ट कर सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा मल्टीपल फंक्शंस को इम्पोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिखा फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट
अब स्क्वायर रूट को भी कर लिया और फैब्स को भी कर लिया और फैक्टोरियल को भी कर लिया। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन तीनों फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा किसी भी फंक्शन को इसमें अगर हम ट्राई करेंगे यूज़ करने का, सो इट विल शो अस एरर। अब स्क्वायर रूट को यूज़ करते हैं, स्क्वायर रूट हमने किया 36 का, आंसर आ गया 6.0। नेक्स्ट है फैब्स फंक्शन, फैब्स फंक्शन लगाया हमने -7.3 पे, तो आपका आंसर आ गया 7.3। इसके बाद हमने फैक्टोरियल लगाया किसके ऊपर, सपोज 4 का हमने फैक्टोरियल करना है, तो आंसर आ गया हमारा 24। तो ये तीनों फंक्शंस हमने मैथ मॉड्यूल में से इंपोर्ट किए, दैट इज़ व्हाई इट इज़ शोइंग अस अ आंसर। हम अब कोई और फंक्शन यूज़ करके देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया सील फंक्शन। सील फंक्शन जैसे आपने यूज़ किया 4.5, तो यहाँ पे देखिए एरर आ गया आपके पास। वाई दिस एरर इज कमिंग, दिस एरर इज कमिंग बिकॉज वी हैव नॉट इम्पोर्टेड दिस फंक्शन इन फ्रॉम दिस मॉड्यूल। सिर्फ तीन फंक्शन को इम्पोर्ट किया था, स्क्वायर रूट, फैब्स और फैक्टोरियल, तो वही काम करेंगे। उसके अलावा कोई और फंक्शन हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स नेम एरर आ जाएगा। सील फंक्शन का यूज़ क्या होता है वो हम आगे आने वाले मैथ मॉड्यूल की जब वीडियो बनेगी उसके अंदर हम डिस्प्ले, उसके अंदर हम शो करेंगे। बेसिकली सील फंक्शन क्या करता है, आप नॉर्मली अगर इसे देखें तो ये आपको नंबर दे देता है विच इज़ द ग्रेटर देन द गिवन नंबर। 4.5 का सील करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.0, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें एक और चीज़ होती है आपकी कि आप किसी भी मॉड्यूल को एक अलाइस नेम प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इम्पोर्ट मैथ एज M1। तो यहाँ पे देखिए मॉड्यूल का नाम मैथ है और मैंने इसको एक न्यू नेम दे दिया M1। कैसे देना है, इम्पोर्ट मॉड्यूल का नेम एज न्यू नेम, शॉर्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब अगर मैं सिंपली लिखूँ M1.square root एंड आई गिव एनी वैल्यू लाइक 25, तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा जो पहले मेरा math.square root करके आ रहा था, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी अलाइस नेम दे सकते हैं, हर फाइल में जो भी आप अलाइस नेम देंगे उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। ऐसे ही अगर मैं कहूँ m1.cl जो हमने ऊपर लिया था 4.5, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 5, यानी कि 4.5 को इसने राउंड ऑफ करके नेक्स्ट लार्जर नंबर में ले लिया। अंडरस्टूड? तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप किसी भी मॉड्यूल को एक अलाइस नेम दे सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा टाइपिंग ना करनी पड़े और आपका काम जो है वो स्पीडली हो जाए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पाइथन मॉड्यूल स्टूडेंट्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक्स कवर्ड इन द वीडियो। इन केस कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कंसेप्ट समझ में आए हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट्स। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो हम बात करेंगे मैथ मॉड्यूल और उसके फंक्शंस के बारे में। सो आई विल मीट यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।